मांग की गई कि रूस यूक्रेन पर बमबारी बंद करे तत्काल प्रभाव से अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुलाए प्रस्ताव में मांग की गई कि जल्द से जल्द यूक्रेन में शांति की स्थापना हो प्रस्ताव लाने वाला देश था जर्मनी और एक बार फिर भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है India continues to remain concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in the loss of countless lives and misery, particularly for women, children and the elderly, with millions becoming homeless and forced to seek shelter in neighboring countries. Reports of attacks on civilians and civilian infrastructure are also deeply concerning. We have consistently advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. In this context, our Prime Minister's statement that this cannot be an era of war bears repetition. Escalation of hostilities and violence is in no one's interest. Instead, an urgent return to the path of dialogue and diplomacy is the way forward. Mr. President, India's approach to the Ukraine conflict will continue to be people centric. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. Today, as the General Assembly marks a year of the Ukrainian conflict, it is important that we ask ourselves a few pertinent questions. Are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? Can any process that does not involve either of the two sides ever lead to a credible and meaningful solution? Mr. President, India remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principles of the UN Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out. पश्चिमी देश लगातार भारत को अपना रुख बदलने के लिए मनाने की कोशिश में थे लेकिन भारत अपनी स्थिति पर कायम रहा और लगभग सभी पिछले प्रस्तावों की तरह इस बार भी मतदान से बाहर रहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चीन बोलिविया, क्यूबा कांगो दक्षिण अफ्रीका और ईरान समेत बत्तीस देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की कुल मिलाकर एक, एक देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मत डाला सात देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया इनमें खुद रूस बेलारूस उत्तर कोरिया सीरिया माली इरिट्रिया और निकारागुआ शामिल थे रूस ने प्रस्ताव को एक तरफा बताया नेटो को घेरते हुए माली और इरिट्रिया पिछले प्रस्तावों पर मतदान से बाहर रहे थे लेकिन इस बार दोनों देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि दक्षिण सुडान जो अब तक मतदान से खुद को बाहर रखा करता था इस बार प्रस्ताव के समर्थन में उसने मतदान किया कुल मिलाकर 141 देशों के समर्थन और 7 देशों के विरोध के बाद 193 सदस्यों की महासभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया दरअसल रूस ने यूक्रेन की लुहांस और डोनेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर चुका है इसी को लेकर पिछले एक साल से जारी जंग की तपिश रूस यूक्रेन के अलावा पूरी दुनिया को झेलनी पड़ी है संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक युद्ध के कारण अब तक एक करोड़ छियासी लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं देश छोड़ने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं जबकि 18 साल से 60 की उम्र के लोगों को यूक्रेनी सरकार ने देश में रहकर युद्ध करने को कहा है भारत अब तक इस मुद्दे पर तटस्थ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये युद्ध का दौर नहीं है और दोनों को बातचीत के जरिए ही मुद्दे को हल करना चाहिए इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है एक साल से जारी यूक्रेन युद्ध पर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी भानु कुमार झा मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है देखते रहिए शुक्रिया किसको मिली बात किसने उड़ाया धुआ दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ हर खबर जिस पर आप करते हैं बात छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे